कई लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि तुम्हारी तो नाभि बाहर है, तुम्हें लड़का होगा, या नाभि अंदर है, लड़की हो सकती है, और 100% दावे भी करते हैं। लेकिन साइंटिफिकली क्या ये सच है? नाभि के अंदर या बाहर होने का तथ्य क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों होता है? कई बार खुजली होती है, दर्द होता है, सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिक हैं और आपको बहुत जरूरी है कि आप जान सके। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब मॉम चैनल। आज के एपिसोड में हम कुछ नए इम्पोर्टेंट साइंटिफिक फैक्ट्स को समझने वाले हैं जो कई सारे मिथ्स को तोड़ते हैं और आपको एक सही इन्फॉर्मेशन देते हैं। आशा करती हूँ आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया है ताकि डेली की प्रेगनेंसी केयर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हर महिला की नाभि बाहर की तरफ बिल्कुल नहीं आती। कई महिलाओं की बिल्कुल नॉर्मल रहती है, थोड़ी बहुत ऊपर की ओर आती है लेकिन बाहर नहीं निकलती। लेकिन कुछ महिलाओं की नाभि बाहर भी निकलती है। तो क्या नाभि देखकर प्रेडिक्ट किया जा सकता है जेंडर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जेंडर एक जेनेटिक मसला है और उसको नाभि से प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। लड़का लड़की ऐसा कोई सिम्टम नहीं होता नाभि को देखकर। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में खांसने पर, छींकने पर, पेट में या नाभि के आसपास दर्द होता है। कई बार खुजली बहुत तेज होती है और खुजली करने के बाद आपको वहाँ रैशेज आ जाते हैं, आप परेशान होते हैं। तो कैसे नवल केयर कैसे करें अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको सेंसिटिविटी है नवल के आसपास? कई महिलाओं को नवल के आसपास कुछ लंपी सा, गठान सा महसूस होता है। तो इन चीजों को आपको कैसे हैंडल करना है, जो सही तरीका है वो आज जानते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में यूट्रस धीरे धीरे ग्रो होता जाता है, 9 महीने तक फुल ग्रोथ लेता है बेबी। तो ऐसे में यूट्रस जैसे ग्रो करता है हमारी स्किन भी स्ट्रेच होती है, जिस वजह से आपको खुजली होती है पेट पर स्किन के स्ट्रेच होने से। तो इसके साथ साथ कई बार पेन भी होता है, क्योंकि जब स्ट्रेचिंग हो रही है तो खुजली और पेन दोनों ही बिल्कुल कॉमन है, ये स्वाभाविक है और ये हो सकता है किसी भी महिला को जिसको कि नाभि बाहर निकल रही है, स्किन ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। कई बार ट्विंस की कंडीशन में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है या फिर बेबी का वेट ज्यादा है तब भी ऐसा कॉमन है। मोस्टली 26 हफ्ते के आसपास या सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर के आसपास ये प्रॉब्लम चालू होती है। और इनफैक्ट इसको प्रॉब्लम भी नहीं कहा जाता है, ये एक फिजिकल चेंज है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक वुमन फेस करती है। अब इसे हैंडल कैसे करें? तो सबसे पहले नेवल को आपको बार बार टच नहीं करना, दबाना नहीं है वहां पे, कुछ और आपको एफर्ट नहीं करना है, कुछ अजीबोगरीब चीजें नहीं लगानी है। हाँ, कोकोनट ऑयल है, आप नेवल में 2 बूंद डाल सकते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि आप नाभि में ऑयलिंग करते हैं तो ये आपके शरीर की 72,000 नाड़ियों को नरिश करता है। तो आप ऑयलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग हो रही है इस वजह से खुजली है, दर्द का भी यही कारण है बढ़ता हुआ यूट्रस। खुजली को कम करने के लिए आप मॉइस्चराइजिंग अच्छे से करें, कम से कम 3 बार एक बहुत अच्छा ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर आप यूज करें। कोकोनट ऑयल एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर होता है, तो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दर्द का कोई इलाज नहीं है, छींकते हुए खांसते हुए आप अपने पेट पर हाथ रखें कि ज्यादा तनाव ना महसूस हो, ये एक सही तरीका है। प्रेगनेंसी में नेवल ऑयलिंग करना बिल्कुल सेफ है, ये नरिशिंग है और ये स्किन को सॉफ्ट रखेगा, नरम रखेगा, जिससे कि आपको इचिंग आदि बिल्कुल भी नहीं होगी। सो आई होप आप अपना पूरा ख्याल रखेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।